हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। अब थॉर 1100 का ट्रेलर तो हमें देखने को नहीं मिला, विच इज नॉट गुड। बट कल 11 तारीख को, जबकि मैंने कहा था कि आपको थॉर 1100 का ट्रेलर आएगा, गौरव चोपड़ा, आई थिंक उनका गौरव चोपड़ा ही नाम है, जो कि इंडिया में क्रिस सेंसर की आवाज देते हैं थॉर के लिए, तो उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर इंस्टाग्राम पे डाला था कि थॉर 1100 का जो ट्रेलर है ना, वो डन हो चुका है और वो चाहते हैं हम सब उसको देखें। तो हाँ, सारी की सारी चीजें ना कल लाइनअप कर रही थी, जैसे कल मंडे भी था, 11 तारीख भी थी, गौरव चोपड़ा ने स्टोरी भी डाली और ये हमें पता था कि भाई हिंदी में तो एटलीस्ट डब हो चुका है, लेकिन फिर भी थॉर 1100 का ट्रेलर हमें देखने को नहीं मिला। तो अब कब देखने को मिल सकता है? अगेन मैं बोलूंगा, ये बहुत ही सही टाइम है थॉर 1100 के ट्रेलर का। मुझे पता है काफी लोगों ने मुझे बोला कि भैया आपने 11 तारीख बोला था लेकिन 11 तारीख को ट्रेलर नहीं आया, तो उम्मीद अभी बाकी है क्योंकि अमेरिका में अभी भी 11 तारीख है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें एक दो दिन के अंदर देखने को मिले, या फिर अगर एक दो दिन में नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हमें थर्सडे के बाद ही ये देखने को मिलेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि मंडे को देखने मिले, यानी जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है उससे पहले ही हमें देखने मिले, बट हम देखते हैं क्या होता है क्योंकि अभी हमें नहीं पता है एक्चुअली में ट्रेलर कब आने वाला है। हाँ, ये छोटी सी अपडेट जो गौरव चोपड़ा ने दी थी हमें इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने डबिंग पूरी कर ली है, इस समय कुछ चीज तो पता चली है। पहला ये, जो ट्रेलर होने वाला है वो 2 मिनट और 19 सेकंड का होने वाला है। जी हाँ, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पोस्ट उन्होंने शेयर की थी इंस्टाग्राम पे ना, वहां पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, 0.19 लिखा है। अब ऑब्वियसली ट्रेलर जो है वो 3 मिनट का तो नहीं होगा, तो 2 मिनट 19 सेकंड का ये ट्रेलर हो सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ टॉयज लीक की, जो कि अभी हमारे सामने आए हैं, जिनसे मैं पता चलता है थॉर 4 के कुछ सिनॉप्सिस के बारे में। सबसे पहले हम पूरी लाइनअप देख सकते हैं हमारे मार्वल के लेजेंड फिगर की, और ये लेजेंड फिगर जो है ना, ये हमें डिटेल्स देते हैं मूवी के बारे में। हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिलती है माइटी थॉर, यानी कि हमारी जेन फॉस्टर, फिर हमें ग्रूट देखने मिलता है, गॉड द गॉड बुचर भी देखने मिलता है, किंग वॉल्करी, स्टार लॉर्ड, रेवेजर थॉर और हमारा थॉर देखने मिलता है। अब इन सब की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इन सब में क्या क्या है। सबसे पहले माइटी थॉर की बात करें तो माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर को आप देख सकते हैं, हमें देखने को मिलता है मियोनियर, और ऑलरेडी मैंने आपको मियोनियर के बारे में बताया था कि मियोनियर जो है वो ओरिजिनली वही रैग्नारोक का मियोनियर होने वाला है, जो कि हेला ने तोड़ दिया था, क्योंकि ब्रोकन शार्ड्स जो है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। आगे चले, अगर बात करें ग्रूट की, तो आपको पता है इस मूवी के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो है एक बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं, स्पेशली ग्रूट, और यहाँ पे हमें स्टार लॉर्ड का लुक देखने मिलता है। ऐसा हो सकता है और भी हमारे गार्डियंस इसके अंदर हो, बट इसके अंदर तो हमें यही दो दिखाए गए हैं। बाय द वे, स्टार लॉर्ड का एक नया सा लुक है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम बात करते हैं इस मूवी के मेन विलन की, यानी कि क्रिश्चियन बेल की, जो कि प्ले कर रहे हैं गॉर द गॉड बुचर। अब कुछ लोगों को ना गॉर द गॉड बुचर का ये जो लुक है बहुत बुरा लगा, बट पर्सनली टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और हम जो हमारे क्रिश्चियन बेल है ना, उनका जो फेस है प्रॉपरली देख सकते हैं। हमें बताया जा रहा है इस मूवी के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ प्रोस्थेटिक और मेकअप का इस्तेमाल किया जाएगा गॉर द गॉड बुचर के लुक्स के लिए, विच इज टू गुड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सीजीआई से ना क्रिश्चियन बेल के जो एक्सप्रेशन थे वो छुप जाते हैं और उनकी एक्टिंग निकल कर नहीं आती, लेकिन अब हम देख सकते हैं वो निकल कर आएगी। एक चीज आपको गौर देखनी है, वो ये है कि हमारे गौर के पास में एक सॉर्ड है जो कि डेफिनेटली नेक्रो सॉर्ड है। अगर आप इसकी फिंगर टिप्स को देखेंगे ना, तो फिंगर टिप्स जो है वो ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि जो हमारी एक तरह से नेक्रो सॉर्ड है ना, वो सिम्बियोट का पार्ट है। तो हाँ, फ्यूचर के अंदर शायद कहीं ना कहीं मार्वल के अंदर नल की जो कहानी है ना, वो सेटअप हो सकती है, क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड है वो उसके पास आ चुकी है, विच इज टू गुड। बात करें किंग वॉल्करी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किंग वॉल्करी का मतलब है कि एसगार्ड की जो नई किंग है। अब यहाँ पे मैं किंग क्यों बोल रहा हूँ, क्वीन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि थॉर 1100 के अंदर वॉल्करी को एज अ गे कैरेक्टर दिखाया जाएगा। जी हाँ, एज अ बाइसेक्सुअल कैरेक्टर दिखाया जाएगा, जो कि मार्वल के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इटर्नल्स में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और हम देख सकते हैं कि थॉर 4 के अंदर भी वॉल्करी को एज अ गे कैरेक्टर माना जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे गे नहीं होता, लेस्बियन होता है, बट आप थोड़ा गूगल करें, आपको पता चलेगा गे मीन्स बोथ थिंग्स। तो हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं किंग वॉल्करी हमें दिखाई जाती है। उसके बाद हम देख सकते हैं हमें थॉर के दो लुक दिखाए जाते हैं, पहला है रेवेजर थॉर और दूसरा है हमारा नॉर्मल थॉर। रेवेजर थॉर की बात करें तो रेवेजर थॉर का मतलब है कि जब वो गार्डियंस के साथ होगा तब उसका लुक इस तरह से होगा। अब हम देख सकते हैं एंड गेम के अंदर जो मोटा थॉर था ना, वो अब नहीं है, वापस से पतला हो चुका है, एंड ही लुक्स ग्रेट। बात करें अगर हमारे नॉर्मल थॉर की, तो हम देख सकते हैं थॉर का एक नया आर्मर है जो कि डीसी के हॉकमैन की तरह है, बट इट्स ऑल्सो गुड। मैंने अभी तक थॉर को कभी भी हेलमेट में देखा एमसीयू के अंदर, लेकिन शायद इस मूवी के अंदर हम थॉर का फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट देख सकते हैं। उसके बाद अगली फोटो में हम देख सकते हैं क्लियर लुक दिखाया जाता है हमें सारे के सारे कैरेक्टर का, एंड टू बी ऑनेस्ट सारे के सारे लुक बहुत अच्छे हैं, गॉड द गॉड बुचर इज लुकिंग फैंटास्टिक। अब बात करते हैं इनके डिस्क्रिप्शन में और देखते हैं इनके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है हमारी किंग वॉल्करी का, तो यहाँ पर लिखा है
When a dangerous new visitor threatens the livelihood of New Asgard, King Valkyrie is forced to take up her stand once more and defend her people. इसका मतलब है कि आपको पता है अब नए एस्गार्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे वो कुछ भी नहीं है, वहां पे बोट वगैरह होंगी, साइड सिंग वगैरह होंगी, तो जब गॉड द गॉड बुचर यहाँ पे आएगा तो किंग वॉल्करी को अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सॉर्ड कटाना पड़ेगा और एक स्टैंड लेना पड़ेगा, which is good. उसके बाद करते हैं माइटी थॉर की। जेन फॉस्टर्स लाइफ इज फॉरएवर चेंज्ड व्हेन शी मिस्टीरियसली कम्स इन पोजीशन ऑफ हैमर मियोनियर एंड द पावर ऑफ माइटी थॉर। जेन फॉस्टर की लाइफ चेंज हो जाती है जब उसको मिलता है मियोनियर और वो बन जाती है माइटी थॉर। ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जहां पर जो मियोनियर है वो टूटा हुआ रहता है ना, वहीं से जेन फॉस्टर को वो पावर्स मिलेगी। और इस पिक्चर के अंदर आराम से देख सकते हैं कि मियोनियर जो है वो शैटर्ड पीसेस में है, यानी ये जो सीन है ना डेफिनेटली इससे कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं नेवेजर थॉर की। Thor wields the mighty Stormbreaker against a new terrifying foe. अब इसका मतलब है कि नए विलन के सामने हमारा जो थॉर है वो अपना Stormbreaker wield करेगा। Obviously जब God the God Butcher यहाँ पे आएगा Asgard पे हमला करने के लिए तो थॉर भी पीछे नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा मैं excited हूँ God the God Butcher के description को पढ़ने के लिए। तो God the God Butcher के description में लिखा है, wielding a strange terrifying weapon, God will let nothing stand in his way. यानी एक God the God Butcher के पास में एक ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल करके उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको खत्म कर देगा। इसका मतलब आप सीरियसली समझ लो, वीडियो के प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे गॉड द गॉड बुचर के पास में नेक्रो सॉर्ड होने वाली है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना ये प्रूव कर देता है कि हाँ क्रिश्चियन बेल को ये सॉर्ड मिलेगी और इससे ही वो पावरफुल होने वाला है। मूवी के अंदर ना मैंने सुना है कि बहुत सारे गॉड होंगे जिनका कत्ल कर दिया जाएगा गॉड द गॉड बुचर के द्वारा, जिसमें ज़ूस हो सकता है, वकानन गॉडेस बास्ट हो सकती है, और भी दो तीन नए गॉड्स हो सकते हैं जिनका कत्ल कर देगा हमारा गॉड द गॉड बुचर, और उसके बाद में थॉर 4 की स्टोरी बनती है। तो ये थे वो सारे के सारे मार्वल के लेजेंड फिगर जिन्होंने हमें फर्स्ट लुक दिया मूवी के बारे में, इनकी कास्ट के बारे में और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में। टू बी ऑनेस्ट आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। और हाँ, ट्रेलर की लोग जो चिंता कर रहे हैं ना कि ट्रेलर कब आएगा, भाई देखो बहुत ही जल्दी आने वाला है, जस्ट गेट रेडी, कभी भी आ सकता है। मतलब शायद हो सकता है कि ये वीडियो मैं अपलोड भी ना कर पाऊं और तभी जो ट्रेलर है हमारे सामने आ जाए, तो जब भी ट्रेलर आएगा हम उसके बारे में बात शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।